हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज 3 अक्टूबर की शुरुआत हो चुकी है और दिन की शुरुआत के साथ 3 अक्टूबर 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इसमें कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वी हैव ऑब्जर्व्ड विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी अभी हम लोगों ने कौन सी मनाई? तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी 115वीं मनाई है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर, ओके, और 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था, 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी वाले दिन। तो अभी 2 अक्टूबर कल था, तो 2 अक्टूबर को इनकी 115वीं बर्थ एनिवर्सरी पूरे देश भर में मनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली, अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें, लाल बहादुर शास्त्री कहाँ से बिलोंग करते थे? इनका जन्म हुआ था मुगल सराय में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वी हैव ऑब्जर्व्ड विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। कल महात्मा गांधी की भी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई और ये तो आपको पता ही है, मैं पहले से आपको बताता चला आ रहा हूँ, महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी इस बार मनाई गई। साथ ही में इस बार 2 अक्टूबर 2019 को स्वच्छ भारत अभियान के पूरे 5 साल हो गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान के लिए ध्यान रखिएगा, पीएम नरेंद्र मोदी को अभी जब यूएस का विजिट था उनका, तो वहां पर यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, वहां पर उनको बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड भी उन्हें मिला है। तो ध्यान रखें, ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड पीएम नरेंद्र मोदी को बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन ने दिया है। बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन माइक्रोसॉफ्ट की एनजीओ है जो कि बिल गेट्स भारत में चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अभी हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो नए डायरेक्टर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बने हैं KS धतवालिया। क्या नाम है? KS धतवालिया इनका नाम है। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वी हैव ऑब्जर्व्ड 94th एडिशन ऑफ राइजिंग डे ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ऑन विच डेट। आपसे पूछ रहा है, अभी हाल ही में 94वां संस्करण राइजिंग डे ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का किस दिन मनाया गया? तो ये मनाते हैं 1 अक्टूबर को। सो 4th वन इज द करेक्ट आंसर। इस दिन बेसिकली ट्रिब्यूट दिया जाता है उन सभी नर्सिंग सर्विसेज एम्प्लॉय को जो कि मिलिट्री के लिए सर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज वॉन रशियन ग्रैंड प्रिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है, 2019 का रशियन ग्रैंड प्रिक्स अभी हाल ही में किसने जीता? ये जीता है ब्रिटिश खिलाड़ी लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये मर्सिडीज चलाते हैं। और यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछता है कि रशियन ग्रैंड प्रिक्स कहाँ पर हुआ, तो इसका वेन्यू था रशिया। ये इस बार रशिया के सोची में हुआ और लुइस हैमिल्टन ने खिताब जीता 29 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विजू खोटे, क्या नाम है? विजू खोटे, इनका निधन हो गया। ये हैं विजू खोटे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये एसोसिएटेड है किससे? पॉलिटिक्स, राइटिंग, म्यूजिक या सिनेमा? तो ये सिनेमा से रिलेटेड है और ये हिंदी और मराठी सिनेमा दोनों में एक्टिंग करते थे। 440 से ज्यादा मूवीज का इन्हें एक्सपीरियंस था और अभी हाल ही में 77 की उम्र में इनका निधन हो गया। इनका जो बेस्ट एक्टिंग है जो कि आज तक याद किया जाता है और अमर, एक तरीके से अमर हो चुका है इनका एक किरदार जो कि आगे भी हमेशा माना जाएगा, ये आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, शोले मूवी में कालिया का रोल इन्होंने किया था। तो अभी हाल ही में विजू खोटे का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एग कमीशन। अभी हाल ही में इंटरनेशनल एग कमीशन के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं? इनका नाम है सुरेश छितोरी। सुरेश छितोरी को इंटरनेशनल एग कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में सम्मानित किया गया। और IEC का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रिटेन। और भारत में व्यापार करने के लिए इसका जो रीजनल ऑफिस है वो है चाइना के बीजिंग में। और यूएस में भी इनका हेडक्वार्टर है, वो है ब्राजील में। तो उधर यूएस में रीजनल ऑफिस है ब्राजील में, इधर एशिया के लिए रीजनल ऑफिस है बीजिंग में और हेडक्वार्टर ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 2600 ईयर ओल्ड वॉल्स हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच विलेज ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में 2600 साल पुरानी दीवारों को खोज निकाला गया है। ये दीवारें खोजी गई हैं भारत के कौन से गांव में?
ये 2600 साल पुरानी दीवारें पाई गई हैं केलाड़ी विलेज में। अब ये केलाड़ी विलेज कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ई के पलानी स्वामी की सरकार है। इसको स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में खोज निकाला है। आप जिस तरीके से देख रहे हो, अब आगे चलकर पता लगेगा कि ये हमारे कौन से एंशियंट कल्चर से ये सारी वॉल्स बिलोंग करती हैं। तो इन वॉल्स को बेसिकली देखकर और स्टडी करके ये बताया गया है कि 2600 साल पुरानी ये दीवारें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस 2019। कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन हम लोगों ने मनाया 1 अक्टूबर को। तो जो 1 अक्टूबर को इस बार हम लोगों ने ये दिन मनाया, इसकी थीम क्या थी? तो 2019 की थीम थी इसकी द जर्नी टू एज इक्वेलिटी। द जर्नी टू एज इक्वेलिटी, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वर्ल्ड हैज सेलिब्रेटेड विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मिकाइल कलसनिकॉव। इनका नाम है मिकाइल कलसनिकॉव। और आपको बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग, ये डिजाइनर है AK-47 के। तो ये जो AK-47, ये जो वेपन है, ये पूरे दुनिया भर में मशहूर है। आज पूरे दुनिया इसे यूज कर रही है, इस AK-47 को। इसका क्रेडिट जाता है मिकाइल कलसनिकोव को, यही इसके डिजाइनर है। तो मिकाइल कलसनिकोव का अभी हाल ही में इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है, ये कौन सी बर्थ एनिवर्सरी इनकी मनाई गई है? इनकी पूरी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। आपको बता देता हूं, इनका जन्म हुआ था 1919 में और इनका देहांत हुआ था 2013 में। 2013 डेथ ईयर, 1919 बर्थ ईयर। तो 1919 से लेकर 2019 चल रहा है, तो पूरे 100 साल हो गए इनके बर्थ के। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये एक रशियन है, ध्यान रखिएगा। और आप सभी को बताइए, रशिया ने भारत के साथ ज्वाइंट वेंचर के तहत एक अभी हाल ही में कलसनिकोव राइफल की एक यूनिट खोली है भारत में, जिसके तहत AK-47 की थर्ड जनरेशन राइफल भारत में बनाई जाएगी। इसका नाम क्या है? AK-203 अब भारत में बनेगी मेक इन इंडिया के तहत। इसका पोटेंशियल 600 राउंड पर मिनट है, राउंड पर मिनट। और हर साल मेक इन इंडिया के तहत कितनी AK-203 बनाई जाएंगी? 75,000 AK-203 भारत बनाएगा, और भारत इसको एक्सपोर्ट भी करेगा। और आपको यह भी ध्यान रखना है, ये प्लांट रशिया ने भारत के साथ मिलकर कहां पर लगाया है? उत्तर प्रदेश के अमेठी डिस्ट्रिक्ट में। अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी है स्मृति ईरानी की। तो आज की बात यहीं तक, होपफुली सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। और अन अकेडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, Varun777। इसका यूज करके 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको अन अकेडमी पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।